मैं हूं जितेन मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं तिलोई न्यूज यूपी। कभी कभी एक मामूली घटना पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर देती है। ऐसी ही एक घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र के फूला ग्राम सभा में घटित हुई। एक छोटा नाती जो है वह 25 तारीख से यहाँ वो लापता है, दिमाग को एक बेकार है। वही के यहाँ कहा कि हुआ हीरो सब इधर उधर हेरा गवा और भैया हेर ओर के काल फिर कहूँ से आए हेर के। तो वो लड़की भाई कहें कि पापा तुम ऐसी वैसी हेर थाने में नहीं बताओ तू तो कहें थाने में है बच्ची सब कुछ इतला कीना सब बतावा सब कुछ। बस वह बहुत जोर से चिल्लान और चिल्ला के भगी। वह क्या पीछे ये कहूँ भगी दोनों साथ साथ और जाके और वही के पीछे भी बेटवा जो उनके बाप लड़के उनके वही दौड़े मजा की दारा हाथ पड़ी। फूला निवासी सुदर्शन मौर्य का पुत्र मनसाराम, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, वो बीती 26 नवंबर से घर से लापता है। बताया जा रहा है कि उसको पिता ने किसी बात पर हल्का डांटा डपटा था, जिसके बाद मनसाराम घर से लापता हो गया। थे तो पापा को मना कर बहुत पापा नाराज होकर के क्या बाहर कहीं जा रहे थे? हाँ गुस्सा गए रहे ना कहीं कि हम जाए तो घर और छोड़ के चले जाए। तो ये जो दीदी है इस समय उनका यहाँ जोड़न बहुत कि पापा ना जाओ हम चली जाओ अच्छा तो अपन घर छोड़ के ना जाओ। मगर पापा नहीं माने तो ये भागे तो पापा बैग फेंक के भागे। जब ले भागत आए जब ले गिर गए इधर तब तक ये कूद गए तब ले कूद गए हमारे पैर सरक गए हम बच्चे ने। देखिए कल 6 दिसंबर 2022 थाना मोहनगंज अंतर्गत फूला गांव में एक ही परिवार का दो बहनों कुएं में कूद के मौत हुई थी। इसमें बड़े बहन और पिता का बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी। इसमें बड़ी बहन नहराज होके घर से 300 मीटर दूर पर एक कुएं है उसमें कूद गई थी। उसको बचाने के लिए उन्हीं का दोनों बहन भी कूद गए थे। इसमें एक और बहन को भी उसमें मौत हो गया था। तीसरा बहन जाड़ी और पेड़ की मदद से जान बचा ली। ये दोनों बाड़ियों का रिकवरी करके पोस्टमार्टम कराने के लिए आगे भेज